वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब जो अगले तीन वीडियोस आने वाले हैं आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा कि सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम क्या होती है, मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम क्या होती है और डायनेमिक पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम क्या होती है। देखिए है क्या कि मेमोरी को आपने आपके पास मेमोरी है और मेमोरी को आपको मैनेज करना है और मेमोरी की अलग अलग तरह से जैसे जैसे यूजर होते हैं, जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की वो होती हैं पॉलिसीज होती हैं और जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर उसके अंदर बढ़ते और घटते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक जो स्कीम्स हैं वो हमें चेंज करनी पड़ती है। और देखिए होता क्या है कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ आती है मार्केट में, जब इन्वेंट होती है तो उसके बाद फिर उसका अपडेटेड वर्जन आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिंगल पार्टीशन पहले आया, फिर मल्टीपल पार्टीशन आया और उसके बाद डायनेमिक आया। तो हम ये तीनों इन वीडियोज के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ये सिंगल पार्टीशन वाला काम करता है, डायनेमिक वाला काम करता है या मल्टीपल वाला काम करता है, और उन तीनों में बेस्ट का फैसला तो आप खुद ही कर ही लेंगे जब उसको फाइनल देखेंगे। तो देखते रहिए वीडियोस, इसमें 3.9 टॉपिक जो है इसके अंदर 3.9.1, 2, 3 के अंदर आप देखेंगे ये तीनों मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम्स। थैंक यू सो मच।